आ, उस्मान काकड़ साहब उस्मान काकड़ सर चेयरमैन साहब सलाम वालेकुम सर क्या जी जी बिल्कुल वारस खैरियत से मैं अभी पाकिस्तान में है गांव में हूँ अच्छा गांव में वेरी गुड आपकी तो बड़ी अच्छी रिसेप्शन आ रही जी मेहरबानी ए डिप्टी चेयरमैन साहब सबसे पहले मैं आपके बहुत मशहूर हूं और आपने इस कोरोना वायरस में पार्लियामेंट के अपोजिशन पार्टियों की तरफ से आपने एक लीडिंग रोल का किरदार अदा किया और आइंदा भी आपसे ही तो जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब बहुत बड़ी आफत है वबा है सारे दुनिया में हमारे मुल्क में भी है मगर मैं यहाँ से शुरू करूंगा कि सबसे पहले मैं जो ये मौजू आ रहा है कोरोना में कौमी एक जेती कौमी मुफादात कौमी यकजहती कौम मफादा तो वो है कि और अपोजिशन मिल बैठ कर सारी पॉलिसी बना दें ये कैसे कौमी एकजहती है कि किमत जो है पॉलिसीज बनाते हैं काम करते हैं और अपोजिशन जो है इस पे साइन करते हैं मैं सबसे पहले क्योंकि हकूमत तो है अवाम दुश्मन हुकूमत तो है मुसलत बाईस करोड़ आवाम जो है वो जलील हो रहे हैं भूखे हैं अब मैं अपोजिशन पे तनकीद करना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा जुर्म जो कर रहे हैं मैं माजरत भी चाहता हूँ सर अपने साथियों से के वो इस जुर्म में बराबर शरीक है अपोजिशन जो है इस कौमी एक जीती है कि पार्लियामेंट को ताला लगा दो अपोजिशन की तरफ से ये कौमी एक जीती है कौमी एक जीती ये है कि मीडिया पे पाबंदी बर्दाश्त कर लो हकूमत की तरफ से ये कैसे सकते कौमी एक जीती है कि आप कानून और आइन की पामाली कर रहे हो अठारवी तरमीम और मजदूर तरमीम कर रहे हैं और ये कोरोना में गरीबों को बूख रहे हैं अपोजिशन जो है एहसास प्रोग्राम में जो है के जो चाहे शबों में हो होती पार्टी के चाहे मरकज में हो अपने कारकुनों को अपने लोगों को नवाज रहे हैं गरीब बेचारे दर पदर हैं और टाइगर फोर्स जो है यहाँ पर एक मुतबाद फोर्स जो है मुसद किया इस मुल्क पे जो है

ये एस्टेब्लिशमेंट के मुसलत हुकूमत के साथ जो है अपोजिशन की एक जीती है بنیادی मसला ये है और इस एक नामनेयत को में एक जीती के वाले से या عوام दुश्मनी और एस्टेब्लिशमेंट के मुसलत हुकूमत से दोस्ती है بنیادی तौर पे अपोजिशन के जो बड़े पार्टियां हैं यहाँ पे जनाब आप यहां पे आए, यहां पे आए आप अवाम में जाएं लोग लो क्या बिचारे बिचारे सूखे रोटी नहीं मिल रहे आवाम को जो हैं, जलील उखार हो रहे हैं मारे सूबे में 25 कम उधर डॉक्टर जो हैं कोरोना से मुतासर हो चुके हैं बाहर ममालिक में जो है पाकिस्तान के लोग वहां पे फसे हुए हैं मैं वॉइस ऑफ अमरीका रेगुलर जो है मैं सुनता हूं बीबीसी सुनता हूं। मलेशिया में हजारों लोग जो है वो वहां पे बेचारे मुश्किल में फसे हुए हैं एक ایک پشاور کے خبر پشتونخوا کہ ایک ممبر واہ پہ عوام نے کہا ملائشہ کے ایئرپورٹ پہ جائیں کہ 90 فیصد خبر پشتونخوا کہ لوگ تے 10 فیصد بڑے کاروبار تھے کراچی کے زلفی بخارے کے دوست وہ بیچارو ان کو کراچی لے گئے پشاور رپورٹ نہیں نہیں وہاں پہ اتارا وہ بیچارے ابھی کراچی میں زلیلو کھار ہیں सोदी अरब से लोगों ने किया कि उसके वहां पे मर्डर हो चुका है उसके साथ दूसरे भाई को आने नहीं देते हमारे तो जनाब मसला है गरीब मजदूर तबका दर पदर है और यहाँ पे जो है हुकूमत ने पार्लियामेंट को ताला लगाया और पार्लियामेंट के इस ताले को जो है अपोजिशन के जेब में डाल दिया गया है अब अपोजिशन जो है वो ताला ले गए हैं आपोजिशन जो है उस जल्द से जल्द पीपल्स लीडरशिप से मैं मैं गुजारिश करता हूं वहां पर बिलावल भटो जरदारी साहब से मियां नवाज शरीफ साहब से कि आपकी पार्टियां क्या कर रहे हैं वो तालाब का पार्लियामेंट के ताला का जो चाबी है वो जेब में लेकर ले गए ले हैं रिक्विज़िशन नहीं कर रहे हैं जल्द से जल्द आज से दे दें हम जिस तरीके से भी आएंगे मगर रिक्विज़िशन साइन के लिए हम तैयार हैं रिक्विज़िशन होना चाहिए हु तो सिर्फ और सिर्फ जो है बजट के लिए फिर ना कोरोना होगा ना जगह का मसला होगा फिर आसानी से इजलास बुला लेंगे वैसे फिर सेनेट में जो है वैसे भी जो है सेनेट के इजलास में जो है पचास परसेंट जो है आम इजलास में जो है आम हालत में जो है पचास परसेंट सेनेट करने आते हैं के जरूरत पूरा करने के लिए हम सब हाजिर हो जाएंगे जनाब तो मैं अर्ज कर दो मिनट ले लेना चाहता मिनटों में दो और लेना चाहता हूँ पार्लियमानी कमेटी एक सेनेट और वहाँ पर कौमी असम्बली के स्पीकर साहब की सदारत में जो है इनकी माह मीडिया को नहीं छोड़ रहे हैं अपोजिशन ने उसके साथ इतफाक किया है हमने दे दिया मैंने उनतीस तेजावी दरामद नहीं हुआ और मीडिया पे सारे आप कर कर देगी आ रहे हैं अपोजिशन जो है ना मीडिया में है ना स्पीकर जो है मीडिया को छोड़ रहे हैं वहाँ पर ये कैसा कमेटी है जिसमें जो है मीडिया के लोग ना हो तो लिहाजा हमारे अपोजिशन जो है वो फ्रेंडली अपोजिशन है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और तारीख में जो है हम लोग जो है हमारे मुखाला होंगे इस सख्त हालात में जो है जनाब शर्मेद साहब एहसास तो प्रोग्राम में जी जी शर्मेन साहब एहसास प्रोग्राम में गफले हो रहे हैं आप मेहरबानी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है इसको ये जो आज के इजलास है ये आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे दे, दे दें कि सारे लोग इसको सुन ले लोग गो ब कर बिजलीसेंट चीजें भी नहीं मिल रहे हैं हमारे में जो हैं। लोग दावा कर रहे हैं और इसी के साथ जनाब टाइगर फोर्स को खत्म होना चाहे बस ये कोरोना जो है के लिए रामत है और बाईस करोड़ आवाम के लिए जामत है तो लिहाजा मेहरबानी करके डिप्टी चेयरमैन साहब आप इस कोशिशों को जो है काविशों को जारी रखें जल्द से जल्द रिक्विजिशन इजलास बुलाना चाहिए थैंक यू उस्मान साहब थैंक यू थैंक यू वेरी मच और इसको जो आप अपने वेबसाइट पे डाल दे सारे मीटिंग जो है सारे मीटिंग के कार्यवाही जो है और फ्रंट मीडिया को भी जारी कर दो और आलिफ चैनल्स मीडिया को बिल्कुल मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा जी नेक्स्ट टाइम थोड़ा एडवांस uh, में सबको इंफॉर्मेशन uh, भी देंगे और uh, ये गेट टुगेदर विल कंटिन्यू टिल द सेशन हैपेंस सो वी कैन कीप इन टच विद एवरीबॉडी and uh, get everybody's views thank you everyone for joining ji thank you thank you sir thank you